2.26. सो एलईडी के अक्रॉस जो वोल्ट आ रहा है वो है 2.26. अभी इसके अक्रॉस वोल्ट देखते हैं 0.44. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. आज हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. वही आज हम लोग देखने वाले हैं. तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक सेल है, 9 वोल्ट का एक सेल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ LEDs है और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और ये है मल्टीमीटर. इसका यूज़ सिर्फ हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा समझा देता हूँ. ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन होता है इस तरीके से, एकदम स्ट्रेट यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन रहता है. ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 होल्स है. तो इस 5 होल्स एक्चुअली सेम कनेक्शन रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे इस लाइन पे बिठाया है. सो अगर हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैरेलल के अक्रॉस में देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे और एक हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं. सो दो रेजिस्टेंस है. ओके, दो रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे दे दिया है. सो एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ पे 9 वोल्ट का सेल यूज़ किया है. सो हम लोग इन केस ऑफ पैरेलल अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, सो इन दिस केस पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन में टोटल वोल्ट है 9 वोल्ट. ओके, सो हम लोग देखेंगे कि टोटल ये जो पैरेलल जब हम लोग कनेक्ट करते हैं दोनों के अक्रॉस में 9 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यस, यहाँ पे हम लोग लेके रखते हैं. सो कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से. सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट. सो अभी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है. सो आप लोग मल्टीमीटर में थोड़ा देखिए, लाइक दिस. यहाँ पे कनेक्शन का थोड़ा वीकनेस हो गया है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. हम लोग यहाँ पे हाँ इस तरीके से दे देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 8.76 आ रहा है. ठीक है, इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस आ रहा है देखिए यहाँ पे 8.63, ऑलमोस्ट सेम है, क्लोज टू 9 वोल्ट. ओके, 8.63 ईच हम लोग को मिल रहा है. सो पैरेलल में दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए. अभी हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे सीरीज में, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया, उसके बाद और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया, यानी कि सीरीज कनेक्शन. सो सीरीज कनेक्शन में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो टोटल वोल्ट हम लोग को 9 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ हियर फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को मिलता है देखिए 8.76 है, ये बहुत ही कम है. तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके दूसरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस तरीके से. सपोज मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस को यूज़ किया है. ओके, लाइक दिस, थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो. तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप आने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है. अभी देखते हैं इसके अक्रॉस. सो इसके अक्रॉस हम लोग को मिल रहा है 8.7 मिलना चाहिए, 8.83 मिल रहा है. इसके अक्रॉस मिल रहा है 0.08 और इसके अक्रॉस मिल रहा है 0.57. तो तीनों को प्लस करके हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगा वो है 9 वोल्ट. अगर हम लोग यहाँ पे और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और इसको अगर हम लोग 4 रेजिस्टेंस का यूज़ किया है. ओके, सो इसके अक्रॉस देखते हैं कि पोटेंशियल 0.12. ओके,
सो आप लोग देख सकते हैं इसके अक्रॉस 0.12, इसके अक्रॉस हम लोग को मिल रहा है 0.55, ओके, और इसके अक्रॉस मिल रहा है 0.08, और इसके अक्रॉस मिल रहा है 8.40, ठीक है। तो सभी को अगर हम लोग प्लस करेंगे 0.08 और भी दो दो वैल्यू मिला था, सबको अप्रॉक्सीमेटली 9 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे एक एलईडी को यूज करते हैं, सो लाइक दिस, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो लेग्स है एलईडी का, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटा वाला लेग्स नेगेटिव में यूज़ करेंगे, और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी के लिए हम लोग इसको और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके ओके। तो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कनेक्शन को इस तरीके से, लाइक दिस, ओके। सो अब हम लोग एलईडी को जलाएंगे यहाँ पे। सो आप लोग देख रहे हैं कि एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रहा है। सो एलईडी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। सो मल्टीमीटर पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इस तरीके से मल्टीमीटर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस वो है 2.26, यानी कि एलईडी ले रहा है, एलईडी दे रहा है 2.26, राइट। एलईडी यहां पे ले रहा है 2.26, यहां पे देख सकते हैं फिर से 2.26। सो एलईडी के अक्रॉस जो वोल्ट आ रहा है वो है 2.26। अभी इसके अक्रॉस वोल्ट देखते हैं 0.44, ओके, सो 0.44। एंड फाइनली ये वाला जो पोर्ट है इसके अक्रॉस में जो मिलेगा वो है 6.6 मिल रहा था यहाँ पे, तो कनेक्शन थोड़ा वीक है एक्चुअली, यस 6.78, सो 6.78 यहाँ पे मिल रहा था, 6.78। सो इन तीनों को अप्रॉक्सीमेटली प्लस करने के बाद हम लोग को 9 वोल्ट मिला है, बिकॉज ऑल आर इन सीरीज कनेक्शन, हम लोगों ने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, ओके। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, अभी अगर हम लोग इसको जस्ट फॉर अ मिनट हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो आप लोग देख पाएंगे कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों के थ्रू सेम आएगा, यानी कि एलईडी खराब होने का चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे चांसेस इसलिए है क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे मिलने वाला है पूरा। तो देख पा रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इट इज़ ऑल ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे थोड़ा ही कम हो गया, और यहाँ पे एक्चुअली कितना कम हो गया वो भी हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअली। तो देखिए इसको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग इसका वैल्यू मेजर करते हैं इसके अक्रॉस, सो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई देगा वो है, देख सकते हैं 6.66 इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस कितना मिल रहा है एलईडी के अक्रॉस 2.67, बिकॉज ये तो ऑलवेज 2.67 ही लेगा, 2.67 और उसके अक्रॉस 6.66। तो अल्टीमेटली इन दोनों का प्लस करने से हम लोग को 9 वोल्ट मिल रहा है, बिकॉज ये दोनों जो है यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में है दोनों, और ये सीरीज कनेक्शन में है इन दोनों के साथ, ठीक है। सो आई होप अभी आप लोग समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन किस तरीके से होता है और पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होता है। सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, एंड इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट सेम रहता है और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। पूरा जो हम लोग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया था यानी कि 9 वोल्ट सब में डिवाइड हो जाएगा, टोटल करने से हम लोग को 9 वोल्ट मिल जाएगा। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज है आप लोगों के मन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।